नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बछौरा में विगत एक माह के अंदर हुई 17 से 18 मौतें, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सूत्र बताते हैं कि जहरीली कच्ची दारू के कारण कई लोगों की जान गई। गांव के कल्याण हेतु ब्रजेश शुक्ला ने अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलकर किया हवन पूजन। सूत्रों की माने तो ब्रजेश शुक्ला प्रधान उषा साहू है, प्रधान पति मनोज साहू को विकास कार्य करवाने नहीं देते। ब्रजेश जी, जानकारी मिल रही कि आपके गांव में एक माह के अंदर 17 से 18 लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नमस्कार, बहुत ही दुखद है और इसके लिए हम लोग चिंतित भी हैं, चिंता भी कर रहे हैं। और आज संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर में गांव वालों के साथ जो है पूजा अर्चना की गई है, हवन किया गया है ताकि गांव में शांति बनी रहे और ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है और हवन भी किया गया है जी, क्योंकि बहुत दुखद है। और जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि जो घटना हो गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ हम सब लोग पूरी तरह से साथ में हैं। माननीय विधायक जी का भी पूरा साथ मिलता है, संतोष भैया का भी पूरा साथ मिलता है और उनकी इस घड़ी में पूरी तरह से हम लोग साथ में हैं जी। ब्रजेश जी, जानकारी मिल पा रही कि जो ये घटनाएं हुई हैं, इसमें जो शराब है, दारू है, इसकी भी चर्चाएं हैं कि इसकी वजह से लोगों की जाने गई। तो आप लोग सत्ता में हैं, कहा जाए विधायक जी के खास हैं, तो दारू बंद ही क्यों नहीं करा देते? दारू, आप सही कह रहे हैं, दारू बंद होनी चाहिए, क्योंकि दारू जो लोग पी रहे हैं वो जहर पी रहे हैं, लेकिन पीने वालों की संख्या कम से कम 80% है। और जब आप दारू बंद कराएंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? बंद कराना तो आसान है, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होंगे? लोग गांव में नहीं पियेंगे तो कहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या घटनाएं होंगी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसमें सबके साथ की जरूरत है। मैंने गांव में चर्चा भी की थी कि एक पंचायत घर में जो है एक बैठक आयोजित की जाए, सब राय हो और फिर उस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि कैसे दारू बनाना है, जिसके लिए हमने गांव वालों से बात की है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सत्ता के दम पर आप दारू बंद करा दें, आप बंद करा देंगे तो लोग यहाँ नहीं, जब उनकी आदत है, वो लती है, वो दारू के बिना रह नहीं सकते, तो आज यहाँ नहीं कहीं दूसरे गांव में जाएंगे, लड़खड़ा के आएंगे, कहीं कोई घटना हो गई रोड पर तो उसके भी जिम्मेदार हमको माना जाएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर गाँव वालों के साथ बैठ के निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कैसे, आप सब लोगों की राय क्या है। और उससे भी ज़्यादा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप जहर पी रहे हैं तो इससे परिणाम क्या होंगे, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, वो अंदर से उनका आत्मबल और अंदर से नहीं सोचेंगे कि हमको दारू नशा नहीं करना, तब तक किसी को ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाया जा सकता। ब्रजेश जी, एक और मामला संज्ञान में आया है, महना झील आपके ग्राम पंचायत में पड़ती है, जानकारी मिली है कि उसमें किसी का कब्जा था और उसको खाली करा दिया गया, जो खाली कराए गए दबंगों का कब्जा था, समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे जी, उनका कब्जा था। और आज से नहीं, 1970 में एक बूढ़ा आया था जी, जो हम सुनते हैं क्योंकि समय हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे बाबा प्रधान थे, 1970 में एक बूढ़ा आया था, उसके बाद से वहां पानी नहीं भरा, तब से वो लोग दबंगई के नाम पर जो है महना को कब्जा किए थे। और हाल ये था कि कोई भी किसान हो, कोई गांव का आदमी ना उसमें जानवर चरा सकता है, ना मेड़ से नीचे पैर रख सकता, अगर किसी का जानवर चला गया या कोई उसमें जो है चना तोड़ लिया तो लोग उसको मारने लगते थे। आज उन दबंगों से, सिर्फ गरीबों से नहीं, और गरीबों से कोई महना झील नहीं छुड़ाई जाएगी, जो दबंग है जिनके पास 10-10, 20-20 बीघा जमीन पहले। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है, इसके बाद स्थानीय मुद्रा मजबूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रुपए में 11% की गिरावट आई थी, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में आई गिरावट से कम है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सिक्खू ने कहा कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। FCA क्लियरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अध्यापकों के 6000 पद स्वीकृत किए हैं, 3000 अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्ति दी गई है और 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से खुले संस्थानों में अधोसंरचना और स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। CDS जनरल अनिल चौहान ने भारत के आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए नए नए विचारों और प्रतिक्रियाएं विकसित करने पर ध्यान देना होगा। CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक विदेश सेवा अताशे ब्रीफिंग में भाग लिया। आगरा जिलाधिकारी की समीक्षा में जन शिकायतों के निस्तारण की पोल खुल गई है। सबसे खराब फीडबैक CMO, DPO और DIOS का रहा। इनको चेतावनी जारी की गई है। आगरा में जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मनरेगा उपयुक्त और ADO पंचायत बरौली अहीर की सबसे खराब फीडबैक है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था BHU में एक बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी होती है। घटना के तीनों आरोपी जेल गए थे। वे भाजपा के सोशल मीडिया और ITCL के प्रभारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री का भी फोटो है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के गढ़ से सपा का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें भाजपा को निशाने पर लाते हुए नारे लिखे गए हैं। लिखा गया है कि अखिलेश का फियर भाजपा का अंत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर इस बार पार्टियों के बीच पोस्टर बार जारी है। अब अमेठी में सपा की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। पोस्टर समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष की ओर से लगाया गया है। बाबा सिद्दीकी और जिशान को मारने के बाद शूटरों को इस देश में पनाह लेनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुरक्षित ठिकाना बनाया था। चारों मददगार शिवा और धर्मराज के गहरे दोस्त हैं। चारों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को ठिकाने लगाने के बाद तीनों शूटरों को नेपाल के बांके जिले के शमशेरगंज में लंबे वक्त तक छिपने का इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह करीब 12:15 बजे गोरखपुर से राजकीय चार्टर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, शैलेश पांडे सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री झारखंड की चुनावी जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वाराणसी जिले के ग्राम दशवतपुर निवासी संदीप सिंह जनता दर्शन में गोरखपुर आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 गायें पाल रखी हैं। उनके चाचा के पास भी 10 गायें हैं। गांव के कई और लोग भी पशुपालन करते हैं। पिछले 6-7 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि त्योहारों के वक्त जब तेज आवाज में DJ बजता है तब गायों का दूध कम हो जाता है। पशु चिकित्सक बता रहे हैं कि तेज ध्वनि के कुप्रभाव से ऐसा होता है। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर।